अगला सवाल है हमारे इमाम मस्जिद साहब कहते हैं कि मोबाइल फोन पर कुरान पढ़ने से स्वाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये कुरान नहीं है मोबाइल है उनको कैसे समझाएं मेरे भाई उनको इंजीनियर कर करके समझाएं आप ये देख लें हमारे मस्जिदों का लेवल वो कह रहे हैं आप जो मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं ना वो कुरान तो आपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ वो मोबाइल पकड़ा हुआ है आप देखें कि ये लोग तालीमी एतबार से कितना पीछे रह गए हमारे उलमा ठीक है ना जी उसी मोबाइल के ऊपर कोई किरात सुने तो वो कह नहीं मैं नहीं सुनूंगा चूँकि ये मोबाइल में से किरात आ रही है इमाम की मैंने नहीं सुननी क्योंकि इमाम तो खुद है ही नहीं दे है ए फकी दो उन्होंने नाल लाल ठीक है ना जी ठीक है जी और दूसरी तरफ स्पीकर जिसको इन्होंने शुरू में हराम कहा वो लाल हो गया ये भी इंशाल्लाह लाल हो जाएगा ये तो खैर मतलब कोई बहुत ही जायल इमाम है जिसने ये बात की है कि मोबाइल फ़ोन पे कुरान पढ़ने के इनको बताएं आप इल्मी जवाब दें कि साहबा के ज़माने में जो मुसफ़ है ना ये मुसफ़ कुरान रिटर्न फॉर्म में ये किसी से अभी के पास नहीं था ये चंद एक नुस्खे थे जो आप ने लिखवाए थे सैकड़ों में भी नहीं थे दर्जनों में भी नहीं थे एक दर्जन से कम नुस्खे थे तो सबक राम कुरान पढ़ा करते थे जुबानी तो जुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर स्वाब मिल रहा है तो मोबाइल पर पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा वो तो दो काम कर रहा है कि जुबानी भी पढ़ रहा है और हरूफ भी देख रहा है बाकी जो आपने तीसरा स्वाब निकालना है कि जी वो कुरान चूंकि जब तक मुसफ हाथ में पकड़ा होगा ये पकड़ने का स्वाब अलग से है यह तीसरा स्वाब है इसको पकड़ के रखें ये एक स्वाब है इसके अल्फाज को देखें ये दूसरा स्वाब है और पढ़ना तीसरा है तो दो स्व तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं साहबा को तो एक स्वाब मिलता था वो जुबानी पढ़ते थे मोबाइल पे पढ़ने वाले को दो स्वाब मिल रहे हैं वो देख रहे हैं अल्फाज और पढ़ भी रहे पकड़ने वाला आपकी नजर में नहीं है ना चले हम वो मान लेते हैं आपको खुश करने के लिए लेकिन फिर भी सहाबा से ज्यादा स्वाब मिल रहा है आम बंदे को क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे ऐकी जे इंजीनियरिंग करागे थोड़े नाल अल्लाह के फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होगी भूल जाओगे सब कुछ तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको साहब कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सुभाव है अगर उनके वो लेवल और नीयत भी उस लेवल की हो वो एक लादा से बात है उसमें नहीं हम पढ़ रहे मैं ओवरऑल गिनती की बात कर रहा हूं कि एक बंदा देख रहा है और साथ पढ़ भी रहा है ये डबल सुभाव है और एक बंदा सिर्फ जुबानी पढ़ा सा तो मोलाम से नबी सलम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी सही मुस्लिम है, कहती है मैं हैसे होती थी। और नबी सल्लमेरी गोद में सर मुबारक रख के कुरान पढ़ते थे सर तो जवाब लग गए थे आपकी बीवी हैज की हालत में हो और आप उसकी गोद में रख के कुरान पढ़े तो कहना है कुरान की गुस्साखी है और नबी नबीलाम करते ही थे सही मुस्लिम में हदीस है सर हमारे पास ऐसे जवाब हैं ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग है सारे कि सारे इंजीनियर और मौलवी फेल ने इसलिए कि इन्होंने जुज्वी दीन लिया इन्होंने कभी सोचा नहीं इन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की और हकीकत बात है जब मेरे भाई आप स्कूल से भागे हुए लोगों को इल्म दीन की लाइन में डालेंगे तो दीन के इमाम भी फिर लूड़े लगड़े लोग ही पैदा होंगे ना इंटलेक्चुअल लोग क्या आए दीन के अंदर इसमें हमारा भी कसूर है क्या हमने इंटेलेक्चुअल्स को दीन की फील्ड में डाला कि आज हमारे इमाम वो लोग लो बने जो दीन और दुनियावी दोनों इल्म रखते हो जो बच्चा नलक होता है उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो तो सर फिर जब दीन मदरसे में इस तरह के लोग डालेंगे तो उन्होंने लायक तो कौन ही हो जाना उन्होंने बाद में फिर वही नलयकियाँ करनी है और आपको अपनी मर्जी का दीन सिखाना है अम्मा आयशा कहती है मैं हैज़ की हालत में और नबी नबीसलाम मेरी गोद में सर मारक रख के कुरान पढ़ते थे ज़ुबान ही बढ़ा करते थे कुरान पढ़ने के लिए वजू भी शर्त नहीं है हाँ जुद भी ना हो वज़ू कोई शर्त नहीं है सही बुखारी में आते अब्दुल्ला बिन उमर ऊँट पे बैठ के बग़ैर वज़ू की हालत में कुरान की तलावत किया करते थे और फिर सजदा तलावत भी कर लिया करते थे इसी हालत में तो ये बिल्कुल इनका मौक़ जो है वो इस हवाले से बातल है कि जी सुब नहीं मिलेगा सुवाब मिलेगा इन ये तो बेसिकली साजिश है न कुरान से दूर करने की क्योंकि मोबाइल की वजह से इनका एक बड़ा मसला खराब हो गया ना इन्होंने एक जाल मसला बनाया था कि कुरान को आप बगैर वज़ू के हाथ नहीं लिखा सकते वो फेल हो गया इनका मोबाइल को आप आप कर सकते हैं मोबाइल को इवन आप छू भी रहे हैं तो ऊपर स्क्रीन है उनका मसला ही खत्म हो गया उन्होंने तो मुसीबत ही जो मुसीबत खत्म हो गई तुम तो आर टाइम एंजन करके देखोगे वो चाहते ही नहीं है कि तो बार बार कुरान देखो फतवे भी नहीं लगा सकते मोबाइल पर तो आप वैसे तो वो भी मसला जाली है कि बगैर वज़ू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते मेरा आप यूट्यूब पर क्लिप देख लें बगैर वज़ू के कुरान को हाथ लगा सकते हैं नॉन मुस्लिम को कुरान देना वो जाली मसला भी अपनी मौत मार गया कि जब मोबाइल में कुरान आ गया तो अब ये कह नहीं सकते कि छुआ हुआ, हुआ आपने तो इन्होंने कहा कि इसका तरीका है कि अगला इन्होंने गोली कराओ कि स्वाभिका तो ना अल्लाजी दाढ़िया पगड़ियां रख के जो यूदा किरदार अदा कर रहे हो ना मुसलमान घुस के तो अल्लाह के फजल से इस्लाम के मुजाह भी मौजूद है जो आपको इन सफर से निकाल के और आपकी बदकीदियाँ लोगों के वाजे करेंगे इनशा